गुड मॉर्निंग किड्स किड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 4 स्टार्टिंग द कंप्यूटर इन दिस क्लास लेट अस लर्न हाउ वी स्टार्ट एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर सो लेट्स स्टार्ट इट स्टार्टिंग द कंप्यूटर फॉर दिस कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू गेट स्टार्टेड सबसे पहले तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी पावर होनी चाहिए जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करें सो हियर द फर्स्ट स्टेप इज प्रेस मेन पावर स्विच दैट मीन्स यू हैव टू स्विच ऑन द पावर स्विच आपको यहाँ पावर स्विच दिख रहा है ये सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है सेकेंड स्टेप इज प्रेस द यूपीएस पावर बटन दैट मीन्स नाउ वी स्विच ऑन द यूपीएस इट मीन्स इट सप्लाई पावर टू ऑल द कंप्यूटर पार्ट्स जैसे ही आप यहाँ यूपीएस का ये बटन ऑन करेंगे ये जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं सब में पावर सप्लाई कर देगा थर्ड स्टेप इज प्रेस सीपीयू बटन एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको यहाँ ये सीपीयू दिख रहा है इसमें ये बटन है आपको थर्ड स्टेप पे इसको ऑन करना है You have to just switch on the power button of your CPU. Okay? For this, press monitor power button. आपको यहाँ ये monitor screen दिख रही है Exactly आपके पास भी जो screen होगी उसमें आपको यहाँ power button on करना है That means fourth step is switch on the power button of your monitor. Okay? Now just we recall the all the steps of how to हाउ वी स्विच ऑन दी कंप्यूटर ओके एक बार हम दोबारा से रिकॉल करेंगे सारे स्टेप्स फर्स्ट स्टेप इज स्विच ऑन दी पावर स्विच सबसे पहले आपको पावर स्विच को ऑन करना है सेकेंड इज स्विच ऑन दी यूपीएस उसके बाद आपको यूपीएस को ऑन करना है थर्ड इज जस्ट स्विच ऑन दी पावर बटन ऑफ योर सीपीयू उसके बाद आपके वो सीपीयू का जो पावर बटन है उसको ऑन करना है फोर्थ इज प्रेस मॉनिटर पावर बटन आपको मॉनिटर के पावर बटन को ऑन करना है ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी स्विच ऑन दी कंप्यूटर आप समझ गए होंगे कौन से हमें स्टेप्स नीडेड हैं अपने कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज डेस्कटॉप स्टूडेंट्स जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं यू विल सी योर विंडो ऑन द स्क्रीन आप अपनी विंडो स्क्रीन पे देखेंगे इट इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप इसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं एंड यू कैन सी मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट दीज आर कॉल्ड आइकन्स आप उस पर बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चर्स भी देखेंगे जिसे हम आइकन कहते हैं वॉट इज डेस्कटॉप द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप ओके जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया आप सबसे पहले उस स्क्रीन पे एक विंडो देखेंगे उस विंडो को हम डेस्कटॉप कहेंगे एंड व्हाट आर द आइकन्स यू कैन सी मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट दीज आर कॉल्ड आइकन्स आप जैसे ही विंडो ऑन करेंगे आपने साइड में छोटी छोटी पिक्चर्स देखेंगे उसे हम आइकन्स कहते हैं ओके नेक्स्ट वी लर्न हाउ वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर ओके अब हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं यानी कि शट डाउन करते हैं ओके आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ऑन द कंप्यूटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शट इट डाउन प्रॉपरली जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे काम कंप्लीट करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको शट डाउन करें अच्छे से सो दीज आर द सम स्टेप्स दैट वी फॉलो टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर अभी हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं ओके फर्स्ट इज ब्रिंग द माउस पॉइंटर एट स्टार्ट बटन आपको यहाँ एक स्टार्ट बटन दिख रहा है आपको अपने माउस के पॉइंटर को इस पर लेके आना है एंड प्रेस योर लेफ्ट माउस बटन और उसके बाद आपको अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है ओके नेक्स्ट इज ए मेन्यू विल अपीयर आपको एक मेन्यू दिख जाएगा ओके सेकेंड स्टेप इज क्लिक द शट डाउन बटन आपको जो ये मेन्यू दिखा है इसमें आपको कौन से बटन पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप में शट डाउन पे ओके इट विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ द सीपीयू थर्ड स्टेप इज
स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ योर मॉनिटर। अब आप देख रहे हैं ऐसे ही आपके पास जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसे थर्ड नंबर पे आपको अपने पावर बटन को ऑफ कर देना है। किसके पावर बटन को? मॉनिटर के पावर बटन को। फोर्थ इज स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ योर UPS। आपको यहाँ ये UPS नज़र आ रहा है बच्चों, इसमें जो आपको ये बटन नज़र आ रहा है आपको इसको स्विच ऑफ कर देना है, यानी कि आप उसको बंद कर देंगे। फिफ्थ इज यू हैव सीन हियर पावर सप्लाई मेन बोर्ड। आपको यहाँ मेन बोर्ड दिखाई दे रहा है पावर सप्लाई का, उसके बाद आपको इसको स्विच ऑफ करना है। दैट मीन्स यू हैव टू स्विच ऑफ द पावर सप्लाई फ्रॉम मेन बोर्ड। आपको मेन बोर्ड से जो पावर सप्लाई जा रही है उसको यहाँ से स्विच ऑफ कर देना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी शट डाउन और स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगेन लेट्स वी रिकॉल ऑल द स्टेप्स ऑफ हाउ वी शट डाउन द कंप्यूटर, स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। एक बार हम दोबारा से रिकॉल करेंगे सारे स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। सेकेंड इज क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन। सेकेंड नंबर पे आपको शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप इज नाउ यू हैव टू स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ योर मॉनिटर। आपको मॉनिटर के पावर बटन को ऑफ कर देना है। फोर्थ इज स्विच ऑफ द UPS। आपको UPS को जो मेन जो UPS का बटन है उसको ऑफ कर देना है। फिफ्थ इज यू हैव टू स्विच ऑफ द पावर सप्लाई फ्रॉम मेन बोर्ड। अब जो आपका मेन बोर्ड है वहाँ से आपको उसके बटन को ऑफ करके आपको पावर सप्लाई रोक देनी है। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट स्टूडेंट यू हैव टू लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। आपको इस वीडियो अच्छे से सुननी है, ठीक है? आपको अच्छे से सुनना है हाउ वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, हाउ वी स्टार्ट द कंप्यूटर। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे आप वो स्टेप अच्छे से सुनिए, फिर उसके बाद हम स्विच ऑफ कैसे करते हैं कंप्यूटर को वो भी ध्यान से सुनिए। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज पार्ट। यू हैव टू डू द एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 इन योर नोटबुक। ओके, सो योर एक्सरसाइज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टर्न ऑफ कंप्यूटर। क्या हमारा जो कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना, बंद करना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है? तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि हम जब भी अपना काम कंप्लीट करेंगे हमें उसको शट डाउन या टर्न ऑफ करना चाहिए। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क ऑन द कंप्यूटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शट डाउन प्रॉपरली। ओके, टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर प्रॉपरली। आपको जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए आपको उसको अच्छे से बंद करना होता है। बट यहाँ क्या लिखा है, इसमें कोई नीड नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है उसको बंद करना। तो ये क्या हो गई, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है। सेकेंड इज UPS इज़ यूज फॉर योर बैकअप। UPS आपके बैकअप के लिए यूज़ होता है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि UPS हमारा बैकअप के लिए ही यूज़ किया जाता है। थर्ड इज फर्स्ट स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड लैपटॉप। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज वी नो वेरी वेल फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। अभी हमने पढ़ा है जो हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और यहाँ क्या लिखा है, लैपटॉप कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। फोर्थ इज द फुल नेम ऑफ CPU इज कंट्रोल यूनिट। ये बच्चों यहाँ लिखा है जो CPU का फुल नेम है वो कंट्रोल यूनिट है। This statement is false because we know very well the full form of CPU is Central Processing Unit. जो CPU की full form है वो Central Processing Unit है। Next is loading of window on computer is called booting. This statement is true, क्योंकि जब भी हम window को load करते हैं computer पे, means window load होती है computer में, तो उसे हम booting कहते हैं। This statement is true. I hope you will understand this topic and you have to do true or your to this exercise true or false in your notebook neatly. Thank you.